कोविड-19 वायरस के चलते सभी जगह लॉकडाउन है, ऐसे में हर कोई अपने घरों में कैद है। यही नहीं, कई लोग रोज कमाकर खाते हैं, ऐसे में उन लोगों को दो समय का भोजन में भी बड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन कुछ समाजसेवी और भामाशाह उन जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही शहर के वार्ड नंबर 50 के बासिंदे अमलकाटा स्थित जांगिड़ भवन में रोजाना 300 से 400 लोगों का खाना बना रहे हैं और वितरित कर रहे हैं। इस काम में क्षेत्र के युवाओं के साथ वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहते हैं। यही नहीं, ये युवा लॉकडाउन की पूरी पालना करते हुए भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार जी, सभी क्षेत्रवासी, मेरा नाम चेतन शर्मा है। आज हमने यहाँ पर जो भोजन पैकेट की व्यवस्था की, जो अभी देश के अंदर जो स्थिति है, जिस तक हर जरूरतमंद तक भोजन पैकेट पहुँच जाए, हमने लक्ष्य लिया है। 200 पैकेट का हमने लक्ष्य लिया था, लेकिन जैसे जैसे हमारे को सहयोग मिलता रहा और जैसे जैसे हमारे को आवश्यकता बढ़ती रही, आज ये लक्ष्य 400 तक पहुँच गया है। और हम सभी क्षेत्रवासी का हमारे को सहयोग मिल रहा है और धीरे धीरे हमारे पास जैसे जैसे भामाशाह बढ़ते जा रहे हैं। हम ये लक्ष्य 3 तारीख तक लिया है, लेकिन अगर जिसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहा तो ये लक्ष्य हम आगे भी बढ़ाएंगे, और इसी तरह से आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहे तो हम और भी पैकेट बढ़ाने के हमने ऐसा लक्ष्य लिया है। ठीक, सभी साथियों का धन्यवाद। और उदयपुर के सभी क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूँगा, यदि आपको पैकेट की जरूरत है तो हमें आज से संपर्क करें। आप घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहें, हम आप तक भोजन के जो पैकेट हम पहुँचा देंगे आप तक। जय हिंद, जय उदय।